इंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये आपके पर्सनल एटीट्यूड को आपके पर्सनल स्किल पे बात करता है, इवन इंटरप्रेन्योर की पे बात करता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी पे बात करता है। ये वो कुछ वो क्वालिटी है जो अब आपके अंदर छिपी हुई है, आपको उसको उभारना है। ये प्रोग्राम आपको तरीके बताता है, वो टेक्निक बताता है जिससे आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये आपको मोटिवेट करता है कि आप में जो छुपी हुई खूबियां हैं उनसे आप कैसे अपने वेंचर को आगे बढ़ा सकें, कैसे आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, कैसे आप अपने एटीट्यूड से उन परिस्थितियों को जो कभी कभी एडवर्स आती हैं, वो सिचुएशन जो चैलेंजिंग होती है, वो कंपटीशन जिनमें आपको आपकी टेस्टिंग होती है, वो सब क्या है, कैसे हैं, कैसे आप उससे बाहर निकले। तो एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा मॉड्यूल है जिसपे आप अपने स्किल को टेस्ट कर सकते हैं, आपके अंदर है शायद उन खूबियों को इस मॉड्यूल ये मॉड्यूल आपको बाहर निकालने में मदद करे। द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव डेवलप्ड ए सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स दैट हैव हेल्प देम टू रीच देयर गोल। जो सक्सेसफुल है उनके पास तो कुछ स्किल सेट थे, कुछ खूबियाँ थी, कुछ उन्होंने उनके थ्रू वो किसी न किसी गोल पे पहुंच चुके हैं, या नई भी अगर फर्स्ट जनरेशन आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आपके लिए जो है वाइल यू डेफिनेटली नीड नर्व एंड पेशेंस टू लॉन्च एंड रन ए न्यू वेंचर, पर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं, आपका स्किल होने के बाद भी आपको उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, उनको टेस्ट नहीं किया है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सिमिलरली यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन नर्चरिंग दीज क्रिटिकल स्किल्स जो आपके अंदर है, उनको नर्चर करना है, उनको बाहर निकालना है, और इसके बाद दैट आर इंटीग्रल टू योर फ्यूचर सक्सेस इन वेरी इंपॉर्टेंट वेज, जो आपको आगे आने वाले समय में आपके फ्यूचर में आपके सक्सेस में बहुत बड़ी रोल अदा करने वाले हैं। तो उनको उभारना जरूरी है, उनको निखारना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है, उनको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो ये स्किल्स क्या हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे हम बात करेंगे, उनको कैसे जो है वो नर्चर करना है, उनको कैसे जो है वो और बेहतर करना है, ये सारे मॉड्यूल्स पे इस पे बात होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन जनरल बात होगी वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी, एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन की बात होगी, अगर आपकी पर्सनल स्किल में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की बात करेंगे, एटीट्यूड बिल्डिंग की बात करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आप उससे अपने अपने बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसकी बात होगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा एस्पेक्ट है एक पर्सनल स्किल का, उसको कैसे मैनेज करें इसकी भी बात होगी। एक राइटिंग स्किल आप में है लेकिन वो आप बिजनेस में कैसे यूज़ कर पाएँ, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर कर पाएँ, इसकी भी बात होगी। तो पर्सनल स्किल सेट को भी ध्यान जो है वो निखारने की सवार की और उसको आगे बढ़ाने की इस पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है इसमें इन सारे टॉपिक्स पे बात होगी। टेक्निकल स्किल हर जो है वो आप पर्टिकुलर किसी न किसी इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल कॉम्पिटेंस चाहिए होता है, कुछ टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं, कुछ टेक्निकल जानकारियां चाहिए होती हैं। तो जो उन आपको कॉम्पिटेंस है जिस चीज़ का उसको कैसे आप बेहतर कर पाएँ, कैसे आप अपने गोल को सेट कर पाएँ और कैसे आप जो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को डेवलप कर पाएँ विद द टेक्निकल स्किल विद द टेक्निकल पीपल, जो आपके पास नहीं है वो टेक्निकल पीपल के थ्रू आप जो है वो उनको उस प्रॉब्लम्स को उन स्किल्ड पीपल में भी ढूंढ के आप उसको निखार सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मैनेजर स्किल की, यहाँ पे मैनेजर स्किल भी बात करेंगे, कैसे आप नेगोशिएट करें, कैसे आप अपने को जो है वो कन्विंसिंग पावर कैसे आप डेवलप करें, कैसे क्या क्या स्टेप होने चाहिए, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे अगर आप फेल हो गए तो उससे आपको कैसे बाहर आना है, इन सारी चीज़ों पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात पर पर्टिकुलर मॉड्यूल में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे जो आपके आपकी इंडिविजुअलिटी पे बात होगी, जो आपकी स्किल्स पे बात होगी, जो आपकी स्किल को समझने में बात होगी। आप ज़रूरी है वो स्किल कुछ आपके पास है नहीं है, उनको आप अपने मैनेजर्स पे अपने एम्प्लॉई में ढूंढिए और आप उन टेक्निकल स्किल को वो मैनेजर स्किल के लोगों को लीजिए और इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करिए, इसको डेवलप करिए, इसको नया आयाम दीजिए। थैंक यू।